ट्रेंड के नाम पे मटकाना तो आजकल आम बात सी हो गई है। हर तीसरी लड़की ट्रेंड के नाम पे मटकाती दिख जाएगी इंस्टाग्राम पे तुम्हें, बस वो भी कुछ व्यूज और लाइकों के चक्कर में। तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां हैं जो तुम्हारी तरह वीडियोस बनाती है, पर वो तो ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस नहीं बनाती, वो भी तो अपने असली टैलेंट से आगे बढ़ रही है। बात तो सही है। सो हे गाइस, बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में भी तुम्हारा दिल से स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो लड़कियां ट्रेंड के नाम पे मटकाती हैं, जो कि ट्रेंड के नाम पे बहुत कुछ मटकाती हैं। क्या बोला तूने? अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेहा सिंह के बारे में। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। किसी से भी कोई भी पर्सनल हेट नहीं है, तो आप लोग भी किसी को हेट मत देना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इनकी वीडियो से धीरे धीरे कई सारी चीजें कम होती जा रही है। पहला तो ऐसी वीडियोस बनाने वाले लड़कियों के धीरे धीरे कपड़े गायब होना, और दूसरा जो ऐसी वीडियोस देखते हैं उनका स्टैमिना कम होना। समझ रहे हो ना? पर क्या कर सकते हैं यार, इंस्टाग्राम पे नाच के नाम पे नंगा नाच चल रहा है। चलो आप लोगों को इन चीजों के बारे में जरा थोड़ा सा डिफरेंस में बताता हूँ। तो इसे कहते हैं पहला डांस और दूसरा कंटेंट। और इसे कहते हैं डांस के नाम पे सॉफ्ट पोर्न दिखाना, जी हाँ, और नंगा नाच करना, जो कि इंस्टाग्राम पे इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल है। यू आर राइट ब्रो, बात तो सही है। इनमें इनकी भी ज्यादा कोई गलती नहीं है, आप लोग ही जो इन्हें बढ़ावा देते हो। जी हाँ, आप लोग ही जो इन्हें बढ़ावा देते हो। जहाँ इनका पल्लू थोड़ा नीचे सरका, वहीं पे आप लाइक और व्यूज की बारिश कर देते हो, पर जहाँ ये टैलेंट से वीडियोस बनाएंगी वहाँ आप घंटा लाइक नहीं ठोकते। भाई आप ही लोगों, आप ही के पास पावर है, आप ही लोगों जो इन्हें स्टार बना सकता है, और आप ही लोगों जो इनके कपड़े दोबारा वापिस ला सकता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मैं उन लड़कियों के बिल्कुल खिलाफ भी नहीं हूँ जो जिम, योगा, जिमनास्ट की वीडियोस डालती, क्योंकि यार वो अपने आप को फिट रख रही है और इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को कि योगा करो भाई, फिट रहो। मैं उन लड़कियों के खिलाफ हूँ जो कि अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती है। बहुत सी लड़कियां उठ के बोलेंगी कि जी साहिल खान भी तो अपनी बॉडी दिखाता है। तो पहली बात, ओपन पार्ट और प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शर्म औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, पर आज का सिनेरियो देख के और इंस्टाग्राम खोल के मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों ने अपने सारे गहने बेच खाए। तू समझा? वाजी वाह, कॉमेडी होगी जी, कॉमेडी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के बाद तो जी कॉमेडी होगी। अब इसका क्या ही मतलब लोग समझेंगे कि पलंग टूटता पहली रात, अब इसका मतलब यार क्या ही समझेंगे। वैन जो फर्स्ट नाइट की पूरी डिटेल दे दो ना यार। अगर ऐसी वीडियोस और ऐसे गाने किसी ने अपने घर में तेज आवाज करके सुन लिया ना, तो जो उसकी सुताई होगी ना भाई, भाई साहब जो उसकी सुताई होगी ना, भैंचो अगल बगल के आंटियों तक को सुनाई देगी उसकी चीखों की आवाज। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। सो गाइस, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं धीरे धीरे लॉन्ग वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ यार। अगर आपको वीडियोस में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और कमेंट करके जरूर बताने कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं, और मैं अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, किस किस के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, तो कमेंट अपना जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। लव यू गाइस।